मैंने फिल्म दिल जंगली देखी और मुझे बहुत पसंद आई, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें दो यंगस्टर्स की कहानी है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, देन वो लोग अलग भी होते हैं लेकिन मतलब पूरी जो मूवी है ना इन दोनों के ही इर्द गिर्द घूमती है। मतलब प्लॉट अच्छा है, स्टोरी थोड़ी और बेटर हो सकती थी लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छी लगी। और मुझे गाना एक बहुत पसंद आया है जो रिक्रिएटेड है, गज़ब का है एक दिन, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ओवरऑल साकिब सलीम और तापसी पन्नू की केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक अच्छी थी। कॉलेज के दिनों की बिल्कुल याद दिलाती है, जैसे फ्रेंडशिप, मतलब कैसे दोस्त मिलते हैं, क्या होता है, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। म्यूज़िक अच्छा है, सारे गाने अच्छे हैं। एक गाना है जिसपे नच ले वो करके, तो उस पर तो डांस करने का भी मन करेगा। और गज़ब का है दिन तो मतलब ऑसम सॉन्ग है, बेस्ट। 3.5 अच्छी है फिल्म, मतलब इतनी एक्सपेक्टेड जो की थी उतनी अच्छी नहीं है। तापसी की एक्टिंग की बात करें तो एक लाइटर एक्टिंग की उसने, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उनको पिंक में देखा था तो उसमें उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। इसमें साकिब सलीम है जो कहीं ना कहीं वो भी अच्छे लग रहे हैं फिल्म में। और गाने की बात करें तो गाने बहुत अच्छे हैं, जंगली बीट वो सब बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, यंगस्टर की कहानी है, बताया गया है कैसे मिलते हैं, यू नो प्यार होता है वगैरह। कॉमेडी के बारे में क्या कहेंगे? कॉमेडी एक हद तक अच्छी है, मैं ही नहीं बोलूँगी बहुत हंसने को आया नहीं। मैं 3 दूंगी। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी है। हीरो हीरोइन के बारे में क्या कहना चाहिए? हीरोइन तो मुझे मेरी फेवरेट है तापसी पन्नू, और उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, और जो एक्टर है वो भी बहुत अच्छे हैं एक्टर है। ओके, क्या कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है? हाँ बहुत एकदम। क्या 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 लगा आपको फिल्म देखते हुए? मूवी देख के मुझे ऐसा लगा मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, मुझे लगा मैं भी रिटर्न टाइम वापस वही टाइम पे चला जाऊँ ऐसा लगा। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक तो गज़ब का है दिन वो सॉन्ग है ना वो मुझे अच्छा है, पहले से मैं सुनता हूँ अभी भी, अभी रिक्रिएट किया है तो वो भी अच्छा लगा मुझे। ओके, 5 बजे कितने स्टार देना चाहेंगे? 4.3। इट्स नाइस मूवी, इट्स टोटली एंटरटेनिंग एंड लाइक न्यू जनरेशन टाइप्स ऑफ मूवी। लास्ट टाइम जो मूवी देखा था तपस्वी का, वो काफ़ी अलग था और ये काफ़ी उसके कंपैरिजन में डिफरेंट है। ओके, साकिब सलीम जो फिल्म के हीरो हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया, इसका मैं कहना चाहूंगा। हाँ, उन्होंने वो गाने में अच्छा काम किया, क्या है मेरे नाल नच ले समथिंग कुछ सॉन्ग है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। ओके, कॉमेडी के बारे में कितनी कॉमेडी है फिल्म में? स्टार्टिंग में है बट बाद में थोड़ा म्यूजिक कैसा लगा आपको? उसमें का एक म्यूजिक अच्छा है जो उसमें है ना मेरे नाल नच ले वो सॉन्ग उसमें अच्छा है। ओके, 5 में से कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 3। कैसी लगी फिल्म? फिल्म अच्छी है और यूथ ओरिएंटेड है और मज़ा आया देख के, एंटरटेनमेंट के लिए है और देखिए मजे कीजिए। ओके, क्या रिलेट कर पाए आप फिल्म से कुछ खास? फिल्म का कॉलेज के बारे में बताएं। हाँ, कॉलेज में देखो सब मस्तियाँ करते हैं, हमने भी मस्तियाँ की हैं और उसी हिसाब से फिल्म है, और फिल्म देखिए एंटरटेनमेंट होगा बस, और ज़्यादा फिलोसफी की तो ज़रूरत है नहीं। ओके, साकिब और तापसी की केमिस्ट्री क्या कहेंगे? अच्छी थी, मतलब नॉट टू गुड नॉट टू बैड, अच्छी थी। ओके, तापसी पन्नू पिंक के बाद एक अलग उन्होंने तो कुछ अलग किया है, अलग क्रिएट किया है चीज़ें और अपना एक अलग इमेज बनाया है, तो अच्छा अप्रिशिएटेबल है। ओके, म्यूजिक क्या कहेंगे? कितना अच्छा है म्यूजिक? अच्छा, मुझे ये जो रीमेक बनाया है गज़ब का है दिन वो अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। बेस्ट पार्ट इज अबाउट द केमिस्ट्री एंड ऑल्सो बंकिंग कॉलेजेस एंड यू नो जस्ट लिविंग द लाइफ टोटली एंड फॉलिंग इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, साकिब सलीम एंड तापसी पन्नू केमिस्ट्री और यू नो दे हैव डन कॉमेडी इन द फिल्म। या दे हैव डन कॉमेडी एंड इट्स अ वेरी गुड, देयर केमिस्ट्री इज वेरी नाइस। ओके, म्यूजिक के बारे में क्या कहेंगे? म्यूजिक गज़ब का है दिल इज वेरी नाइस, कयामत का सॉन्ग इज आल्सो वेरी नाइस, लाइक इट्स वेरी गुड। ओके, आउट ऑफ 5 स्टार हमने सर 3 स्टार्स।